हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज बात करेंगे कि एमबीए में MS 4 के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जिसकी काफ़ी डिमांड था। और ये क्योंकि पूरा थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन पेपर है तो इसमें हम आपको बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरा सोल्ड है, MS 4 की ई बुक है जिसके अंदर क्वेश्चन और आंसर है पूरे इम्पोर्टेंट। और ये डिस्क्रिप्शन में ई बुक है, आप इसमें से अपने अगर क्वेश्चन करेंगे तो मैक्सिमम आपके पूरे मिल जाएंगे। एक जो मैथमेटिकल वाला क्वेश्चन अगर आता है तो उसको छोड़ के अगर बाकी भी क्वेश्चन आप कर लोगे तो इस MS 4 कोड को आप आसानी से पास कर सकते हैं। तो इसकी यही टैक्टिस है कि जो लास्ट 15 ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, अगर आप वो पूरे करोगे तो हो जाएगा इसमें। और आपको बिना मैथमेटिक्स भी नहीं आता तो आप बाकी क्वेश्चंस को अटेंड करके जो छूट में रहते हैं, लगभग 8 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और उसमें से आपको 5 करने रहते हैं, तो 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर रहता है, कुछ शॉर्ट नोट वगैरह रहते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। तो ये पूरा आप मिनिमम एफर्ट के लगा के आप इसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। 2-3 दिन में अगर आप इसको कवर करोगे तो भी आप इसको पूरा कवर कर सकते हो और इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने इस कोड को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये है MS 4 अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर द मैनेजर, जो ओल्ड MBA के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये ई बुक है। इसमें जो मैक्सिमम टाइम पे जो क्वेश्चन आता है ये बजटरी कंट्रोल वाला क्वेश्चन आता है और इसका इंस्टॉलेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो आप देख लेना। सेकेंड प्रियोरिटी में जो क्वेश्चंस है वो ये है, जीरो बेस बजटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने VVIMP लिखा है इसको। तो इसकी एडवांटेज क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसकी परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होता है, परफॉर्मेंस बजटिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो इसको पक्का आपको करके रखना है। ये लॉन्ग में आता है, 20 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो है फिर जो थर्ड प्रियोरिटी पर जो क्वेश्चन आएगा वो है आपको कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, लिवरेज वाला क्वेश्चन पक्का आता है इसमें। तो इसमें कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज पूछ लेता है, इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है, तो इसको आप देख लेना। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तो आप इसको इस बुक को नीचे से डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे बाकी सभी जो है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की बुक्स भी अपलोड कर दी है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप उनको कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके 2-2, 3-3 दिन के एफर्ट में आप अपने एग्जाम को दे सकते हैं। तो ये जो चौथा क्वेश्चन इसमें है, ये डिफरेंस आपको करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी हिसाब से फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझाना आपको, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो वो क्वेश्चन नंबर 5 इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसी हिसाब से ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत मेहनत से बनाया गया, काफ़ी टाइम लगा इसको मैंने पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करने में, और ये बिल्कुल रेडी है। आप इन्हीं क्वेश्चंस को करके जाएंगे तो आप विदाउट मैथमेटिकल वाला क्वेश्चन भी आप जो है आसानी से कर सकते हैं, उसको भी आप छोड़ दोगे तो बाकी को आप अटेंड कर सकते हो और आप पूरे मार्क्स लेके आ सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उसका अप्राइजल मेथड्स और ये इसके पे बैक मेथड क्या है वो आपको समझाना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको आपको करना है। और आपको जो है एग्ज़ाम के हिसाब से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं उसके हिसाब से तैयारी करना है, ये नहीं कि आप जो है ऐसी चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम में नहीं आती हैं, कभी आई भी नहीं है, और आप अपना टाइम उसमें लगा रहे हैं तो वो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा और आपके मार्क्स आने की संभावना कम होती है। तो 7वां जो इसमें क्वेश्चन है वो है फ्लेक्सिबल बजटिंग और फिक्स बजटिंग क्या होता है, रोलिंग बजट क्या होता है, उसके बीच में उसका आपको समझाना है। इसी तरीके से एक और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसमें मैंने पूरा असेंबल कर दिया हूँ, बना दिया हूँ, आप इसको कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ शॉर्ट नोट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कुछ शॉर्ट नोट इसमें ऐसे हैं, शॉर्ट नोट जो है यहाँ से मैंने शुरू किया, फर्स्ट प्रियोरिटी के जो शॉर्ट नोट है इसमें जो फर्स्ट है यह है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। सेम जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा इसी में ये आ जाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। इसमें जो शॉर्ट नोट होते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो मैक्सिमम एज ए मैनेजर यूज किए जाते हैं वर्ड, लेकिन वो बुक के अंदर नहीं है, वो भी मैंने इसके अंदर डाला है। और जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें इंटेंजिबल एसेट्स और करंट असेट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, उसके बीच में आपको एक्सप्लेन करना है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, इसमें अमोर्टाइजेशन वाला है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो आपको बताना है।
तो इसी तरीके से आपको करना है पांचवा जो है डायरेक्ट लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस क्या होता है, तो उसके बारे में आपको बताना है और इसको याद करके रखना है। ये सभी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसीलिए इनको जो है असेंबल किया गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, रिटेन नेट प्रॉफिट क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस पूछ लेता है क्वेश्चन में शॉर्ट नोट में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सेम इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे, और सेकंड प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस भी है जो मैंने इसमें डाला है। कैश एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंस क्या है, कैश के कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। तो एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, आप इस बुक को नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चन को 2-3 दिन में करके मिनिमम एफर्ट में आप अपने MS 04 को क्लियर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई इश्यू आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।